सर इसमें वो राम प्रसाद घाट से बसें चलाने की बात हुई थी पिछली मीटिंग में, और कुछ बसें उधर से वैशाली नगर होकर निकल जाए तो लोड कम हो जाएगा या बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, जाइन को भी सहूलियत रहेगी चिल्ले शरीफ पे जाने वालों को, तो रोडवेज वालों ने कहा हम व्यवस्था करेंगे तो क्या होगी। राम प्रसाद घाट से खड़ी लगा रहे वहाँ पे कायड़ में किन्नी भी बसें वहाँ की नहीं बसें। सर नगर निगम में हम जो मेला क्षेत्र है उसकी सफाई चालू हो जाए, उसके अलावा सीवेज साहब के यहाँ से हमारे को जो डी डी टी के कट्टे हमें प्राप्त हो चुके हैं और वो समय अनुसार उनका छिड़काव भी करा दिया जाएगा। उसके अलावा सर जो मोबाइल शौचालय जो पुलिस जावर्स की अपने पूरी टीम बनाई है सर, उसके आदेश निकाल देंगे श्रीमान के यहाँ निवेदन कर देंगे। सर सफाई में एक बार मैं कुछ कहना चाहूँगा, सफाई व्यवस्था आदेश निकालने मैं सब देख रखा है, मैं भी सीओ नगर निगम रह चुका हूँ, वहाँ आप ऑर्डर निकालेंगे आप 10 आदमी लगाएंगे वहाँ 5 आदमी, इसलिए आप एक तो रिफ्लेक्टिंग वाली जो जर्सी होती है वो कभी कभी होती है, और भी कई चीज़ें वो आप देख लीजिए वो होना जरूरी है, और भी कई इंटरनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ कैसे मैनेज करते हैं वो आप थोड़ा देख लीजिए, आप उनको सीओ मैं उनको बता दें थोड़ी व्यवस्था अच्छी करते हैं। संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता के अंदर उर्स की व्यवस्थाओं के ऊपर मीटिंग आयोजित की गई और ये व्यवस्थाओं की के लिए पूर्व में भी कलेक्टर साहब द्वारा 2 बार मीटिंग आयोजित की गई थी, आज ये 3री मीटिंग थी और काफ़ी अच्छी तरह से रिव्यू हुआ और व्यवस्थाएं काफ़ी लाइनअप हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि उर्स बेहतर तरीके से संपन्न होगा। सर दरगाह विहार के जो खंभे लगे हुए थे वो उनको हटा दिए गए और जो नया तारक नागफणी वाला रोड है उसकी हालत ख़राब है पूरी, इसके लिए क्या होगा? नागफणी रोड के ऊपर भी पैचवर्क का काम किया जाएगा, आज PWD डिपार्टमेंट ने अपना आश्वासन दिया है और वो शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। सर वो आने वाले जाहिरों के लिए जो पानी की व्यवस्था है वो तो खाली नहाने धोने की क्या व्यवस्था रहेगी? कहाँ पर नहाने धोने के लिए? नहीं कहाँ पर व्यवस्थाएं बांध, विश्राम स्थली के ऊपर तो है ना व्यवस्थाएं? सर पहले तो ये अपनी विश्राम स्थली थी हो जाती थी और ये पात्र बनने के बाद उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी नहाने की? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये राम प्रसाद घाट की बात कर रहे हैं। राम प्रसाद घाट के ऊपर भी नहाने की कोई व्यवस्था अभी भी नहीं है और उनको जहाँ पर वो ठहरेंगे विश्राम स्थली पर ठहरेंगे तो वहाँ पूर्ण व्यवस्था है। और कुछ नहीं नया सर, अभी क्या व्यवस्था की जाएगी आपकी उसमें? नहीं उर्स के अंदर विश्राम स्थली के ऊपर पानी के पीने के PSPOs लगाए जा रहे हैं और ADA की तरफ से 10 टेंट लगेंगे और नमाज के लिए ग्राउंड के ऊपर डोम बनाए जाएंगे और इसके अलावा दरगाह कमेटी 5 प्लेटफॉर्म और एडिशनल बना रही है।